बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने साइन और कॉस की ब्रैकेट और पावर्स के साथ ये समझाई थी। इसके अलावा इवन पावर्स में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन पावर फोर, कॉस पावर फोर, ये हमने कंप्लीट करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 तक तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा। नाउ कम टू पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में ब्रेकिंग तो नहीं है, चालाकियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 11। साइन 3Z, dz, तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस के फॉर्मूले होंगे। प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस, साइन अल्फा कॉस बीटा, cos alpha sin beta, cos alpha cos beta, sin alpha sin beta। यहाँ जरूरत इसलिए है कि 2z आप सिंपल नहीं बना सकते, 3z का क्या बनेगा, 3z को सिंपल नहीं बना सकते, 2z का क्या बनेगा, इसलिए आप इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद टर्म्स को सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन अल्फा इनटू साइन बीटा इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2z माइनस 3z माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2z प्लस 3z dz। साइन अल्फा इनटू साइन बीटा इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये हो जाएगा हाफ कॉन्स्टेंट इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ माइनस जेड माइनस कॉस ऑफ 5z dz। यू नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस that it is same as cos of z minus cos of 5z dz। सम और डिफरेंस इस्तेमाल करके दोनों टर्म्स को सेपरेट करें। हाफ दोनों का मल्टीपल होगा क्योंकि पूरे इंटीग्रल के साथ है। हाफ ऑफ cos z dz माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos 5z dz। अब आपको या तो दोनों टर्म्स को अलहदा इंटीग्रेट करके रिजल्ट यहाँ पुट करें या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। तो इस स्टेज पे मेरे ख्याल में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ कॉस 5z इट इज इक्वल टू 1/5 sin 5z प्लस सम कॉन्स्टेंट।
ये हो गया 1/5 साइन 5z प्लस हमको आंसर इट इज इक्वल टू 1/2 1/2 साइन जेड माइनस 1/10 साइन 5z प्लस सम कॉन्स्टेंट ये हो गया 2z into sin 3z Now see part number, question number five, part number 12. Integral of sine 3y cos 5y. Integral of sine 3y into cos 5y dy. आप अगर 3y को पुट करें तो 5y का क्या बनेगा 5y को पुट करें तो 3y का क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का तो आपके पास रूल ही नहीं है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे अब और कीजिए फार्मूला कौन सा यूज हो सकता है यू कैन अप्लाई साइन अल्फा इनटू cos beta sin alpha into cos beta it is equal to half of sin alpha plus beta half of sin alpha plus beta alpha ki jagah pe hai 3y plus beta ki jagah pe hai 5y Plus sine of alpha minus beta. So sine of 3y minus 5y. dy as it is. So 1/2 is constant taken outside. Integral of sine of 8y plus sine of minus 2y. dy as it is. You must know sine of minus theta, it is equal to minus sine theta. to sine of minus 2y, it is minus sine 2y. So, ye ho jayega 1/2 integral of sine of 8y minus sine of 2y. dy कर सकते हैं कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 8y dy माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2y dy अब या तो इन दोनों टर्म्स को अलहदा-अलहदा इंटीग्रेट करके रिजल्ट यहां वापस पुट करें अगर पुटिंग करनी हो क्योंकि आप पुट करेंगे तो 8y को भी पुट करना पड़ेगा 2y को भी तो एक ही स्टेप में आप 8y को और 2y को पुट नहीं कर सकते आप अलहदा-अलहदा इन दोनों टर्म्स को अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन हमारे ख्याल में इसी स्टेज पे आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहिए 1/2 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ साइन 8y It is equal to minus 1/8 cos of 8y. Minus 1/2 as it is, integral of sine 2y, it is equal to minus 1/2 cos 2y plus some constant. So, ye ho jayega minus 1/16 cos of 8y minus into minus plus 1/4 cos 2y
प्लस एम कॉस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 इज कॉस 4x इंटू कॉस 2x। इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx। कॉस अल्फा कॉस बीटा विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हाफ ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह 4x है, बीटा की जगह पे 2x है। हाफ तो हो गया कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउटसाइड। इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 6x dx। सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें। 1/2 दोनों का मल्टीपल है, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस 6x dx। इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x इट इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x प्लस 1/2 एज इट इज। इंटीग्रल ऑफ कॉस 6x इट इज 1/6 साइन 6x plus some constant. It is equal to 1/4 sine 2x plus 1/12 sine 6x plus some constant. ये हो गए भाई most simplified form of integral of cos 4x into cos 2x. Now come to question number 5, part number 14. A part number 14, 15 or 16 ये भी मिलते जुलते ही हैं। See part number 14. Integral of square root of 1 minus cos x dx. आपके दिमाग में function power n थोड़ी देर के लिए आएगा तो सही, लेकिन बस वो थोड़ी देर के लिए ही आएगा। इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होना चाहिए, डेरिवेटिव तो है नहीं। जब डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की जा सकती है। डेरिवेटिव यहाँ बन नहीं सकता तो फिर क्या किया जाए? फिर आप रूट को किसी और तरीके से खत्म करने की कोशिश करें। वो और तरीका क्या है? आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 इंटू एक्स अपॉन 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 एज इट इज कॉस 2 थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2।
Now, it is equal to integral of square root of 1 minus 1 minus into minus plus 2 sine square x upon 2. माइनस इंटू माइनस माइनस वन प्लस वन ये तो हो गया कैंसिल बाकी बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अगर फर्ज करें यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस होता तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, फिर आप यूज करते 2 cos squared theta minus 1, फिर plus 1 minus 1 से cancel हो जाता, पर 2 root से बाहर नहीं निकल सकता, तो we write root 2, sin square root से बाहर निकल के sin x upon 2 हो गया, तो root 2 is constant taken outside integral of sin x upon 2 dx. Put x upon 2 is equal to y, so dx upon 2 is equal to dy, so dx is equal to 2 dy. Question ho jayega, square root 2 integral of sin y 2 dy, 2 is constant taken outside, so 2 root 2 integral of sin y dy and integral of sine it is equal to minus cos, so ye ho gaya 2 square root 2 into minus cos y plus some constant, it is equal to minus 2 square root 2 cos of y and y is equal to x upon 2 plus some constant. ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल, इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ सी पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 15, इंटीग्रल ऑफ square root of 1 plus cos 3x whole raised to the power 3 dx. Pehle to aap put kar le 3x is equal to y, so 3 dx is equal to dy, iska matlab dx is equal to 1 upon 3 dy. Question ho gaya integral of square root of 1 plus cos y power 3 1 upon 3 dy. One plus cos y raised to the power 3. अब power 3 है तो power 2 तो root से बाहर हो जाएगी, इट इज 1 प्लस कॉस वाई, पावर 2 थी बाहर आके पावर 1 हो गई, रूट के अंदर रह गया 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। अब फंक्शन पावर n आपके दिमाग में जितना तेजी के साथ आएगा उससे ज्यादा तेजी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की जगह पे अगर 1 प्लस कॉस है तो उसका डेरिवेटिव तो साइन या माइनस साइन होता है, आपके पास तो डेरिवेटिव में भी कॉस ही दे रखा है, उसे साइन में कन्वर्ट तो नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे भी चालाकी वही करनी चाहिए जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, तो इसे आप लिखें 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा ट्वाइस ऑफ y अपॉन 2, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2 इंटू वाई अपॉन 2।
हमने रूट के अंदर तो रूट को रिमूव करने के लिए 2 थीटा बनाया ताकि cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला यूज करके रूट को खत्म किया जाए। बाहर हमने 2 थीटा इसलिए बनाया है क्योंकि एंगल सेम रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन करने में सहूलत होगी। तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा। अब अगर आप 1-2 sin स्क्वायर थीटा यूज करते हैं तो 1 तो कैंसिल होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ यूज करें 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस 1। और यहाँ पे भी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और प्लस 1 माइनस 1 ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया 1/3 इंटीग्रल ऑफ 2 cos स्क्वायर y/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर y/2 dy। इट इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ 2 cos स्क्वायर y/2 इंटू रूट 2 cos y/2 dy। cos स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता था, निकाल लिया। अब 2√2 ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, अब ये बन जाएगा 1/3 इंटू 2√2 यानी 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, इट इज कॉस क्यूब y/2। तो आप पुट करें y/2 इज इक्वल टू जेड, सो dy/2 इज इक्वल टू dz, सो dy इज इक्वल टू 2dz। क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो जाएगा 2√2/3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब जेड 2dz। 2 इज कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड, ये हो गया 4√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब जेड dz। कल का लेक्चर आपके दिमाग में होगा, हमने स्टार्ट किया था कल का लेक्चर साइन क्यूब और कॉस क्यूब से। ऑड पावर है, इसका मतलब अब इसको इंटीग्रेट करने का सेंस वही होगा। कॉस का डेरिवेटिव नहीं ला सकते, मगर इसमें से कॉस एक्स को या कॉस जेड को सेपरेट कर सकते हैं, विच मे बिकम द डेरिवेटिव ऑफ साइन, सो रिमेनिंग पार्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइन। ये हो गया कॉस स्क्वायर जेड इनटू कॉस जेड dz। अब ये cos z ये तो डेरिवेटिव बन सकता है किसका? sin का, सो रिमेनिंग पार्ट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू sin। अब sin cos की ब्रेकिंग में जाहिर सी बात है ये पूरी इंटीग्रेशन में होती रहेगी, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी। 4√2/3 इंटीग्रल ऑफ 1-sin²z इंटू कॉस जेड डी जेड, इट इज इक्वल टू 4√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड कॉस जेड डी जेड। सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें, दोनों टर्म्स को सेपरेट करें। 4√2/3 चूंकि पूरे इंटीग्रल का मल्टीपल है, तो इसका मतलब दोनों टर्म्स के साथ लिखा जाएगा, इट इज इक्वल टू 4√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस जेड डी जेड।
minus 4 square root 2 upon 3 integral of sine square z into cos z dz. अब फर्स्ट टर्म इंटीग्रेबल है, सेकंड टर्म भी इंटीग्रेबल है, दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर ले और उधार वापस कर ले. 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ कॉस इट इज इक्वल टू साइन जेड माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन पावर एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सम कॉन्स. ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन जेड माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 इनटू 3 इज 9 साइन क्यू जेड प्लस सम कांस्टेंट. अब आप उधार चूंकि दो दफा ले चुके हैं, y अपॉन 2 इज इक्वल टू z एंड 3x इज इक्वल टू y, तो आप पहले तो z की जगह पुट करें y अपॉन 2. 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन जेड जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यू वाई अपॉन 2. वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू क्या थी 3x. ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 multiplied by sine y which is equal to 3x upon 2 as it is minus 4 square root 2 upon 3 multiplied by sine cube 3x upon 2 plus some constant. It is the most simplified form of the given integral. अब आप देखें पार्ट नंबर 16. पार्ट नंबर 16 ये इंटीग्रेशन में वाहिद क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल होता है. इसे कंसंट्रेट कीजिएगा. इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x. आपके दिमाग में फंक्शन पावर n अगर आता है तो डेरिवेटिव ना तो है ना ही डेरिवेटिव ला सकते हैं. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करें तो फायदा होने का इम्कान है. आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. जो ही आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया तो आपके दिमाग में माइनस 2ab आएगा, तो यू मस्ट हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यूं ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ 1 तो दे रखा है, 1 दे रखा है तो इसका मतलब 1 की जगह पे हम जबरदस्ती साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज. अरेंज करें, अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा भाई डीएक्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स
माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द सेम एज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. ये हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर. होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल आया. इट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं थी. यहाँ तक हमारे ख्याल में कोई खास बात नहीं है, कोई जहानत वाला काम नहीं किया है. अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप सोचिए तो आपके दिमाग में वन अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. भाई इसे शिफ्ट तो कर नहीं सकते, तो शक्ल है वन अपॉन फंक्शन वाली मगर डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव ला भी नहीं सकते. फिर आपके दिमाग में आएगा कि कुछ नहीं कर सकते तो शायद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा हो जाए. आप अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी कोई फायदा नजर नहीं आएगा, करके देखिएगा तो फिर क्या करें. पूरे इंटीग्रेशन में ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल होता है इस स्टेज पे. इस स्टेज पे आने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो किसी तरह साइन ख़त्म हो जाए. साइन ख़त्म हो जाए तो वन अपॉन कॉस इज सेक, सेक की इंटीग्रेशन हो सकती है. या फिर कॉस ख़त्म हो जाए तो वन अपॉन साइन इज कोसेक, कोसेक की इंटीग्रेशन भी हो सकती है. इसका मतलब किसी ना किसी तरह आप या तो साइन को खत्म करेंगे या कॉस, तो क्या रिमूवर से खत्म किया जाए. जब आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में तीन चार फॉर्मूले आ सकते हैं. साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा. हम इसकी शक्ल बनाएंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा जैसी, ताकि इसकी जगह साइन अल्फा माइनस बीटा लिख लिया जाए, ताकि वन अपॉन साइन कोसेक और कोसेक की इंटीग्रेशन हो सकती है. मसला ये है कि हम इसे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा कैसे बना सकते हैं. साइन एक्स के साथ भी और कॉस एक्स के साथ भी मल्टीपल चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए. साइन के साथ कॉस चाहिए, कॉस के साथ साइन चाहिए, और वो भी कोई ऐसा चाहिए जिसके वैल्यू सेम. तो फिर वो वैल्यू कहाँ से लाएं. जब गौर करेंगे तो वैल्यू है एक, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू. वन अपॉन स्क्वायर रूट टू ये ऐसी वैल्यू है जिसपे साइन भी और जिसपे कॉस भी, उनके एंगल सेम होता है. साइन 45 इट इज वन अपॉन रूट टू, cos 45 it is 1 upon root 2. इसका मतलब ये हुआ कि 1 upon root 2 किसी तरह लाने की कोशिश करें तो हम फिर उसे sin 45 या cos 45 जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो लिख सकते हैं. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई रूट 2 इन द डिनोमिनेटर. तो sin x माइनस cos x अपॉन स्क्वायर रूट 2 ये डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट टू. डिनोमिनेटर को आपने रूट टू से मल्टीप्लाई भी किया, रूट टू से डिवाइड भी किया. तो जो मल्टीप्लाई किया है वो तो बैलेंस करने के लिए किया, हमारे काम का ये वन अपॉन रूट टू नहीं है. इसे तो आप बाहर निकाल दें, वन अपॉन रूट टू. हमारे काम का है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट. LCM ब्रेक करें, इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन रूट टू इन टू वन डिवाइडेड बाई साइन एक्स अपॉन रूट टू
माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट टू डी एक्स। इसे रीअरेंज करें, इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू माइनस कॉस एक्स इंटू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू। तो अब बात शायद आपकी समझ में आ गई हो कि डिनोमिनेटर ये हो गया साइन एक्स, इट इज सेम एज साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा होना चाहिए। तो इसका मतलब वन अपॉन रूट टू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 45 डिग्री, यानी इट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस 45 यानी कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा होना चाहिए। इसका मतलब इट इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू। हमने इसका एडवांटेज लिया कि जब साइन की जरूरत हो साइन पाई बाई फोर लिखते हैं, कॉस की जरूरत हो कॉस पाई बाई फोर लिखते हैं। अब खुद गौर करें, डिनोमिनेटर इज सेम एज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह पे एक्स है, बीटा की जगह पाई बाई फोर है। इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन स्क्वायर रूट टू इंटू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे एक्स, बीटा की जगह पाई बाय फोर। तो इसी स्टेज पे जो मैंने कहा था कि या तो साइन खत्म हो जाए, कॉस रह जाए तो वन अपॉन कॉस सेक, सेक की इंटीग्रेशन हो सकती है, या कॉस खत्म हो जाए तो वन अपॉन साइन विच इज कोसेक, कोसेक की इंटीग्रेशन हो सकती है। तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ बच गया वन अपॉन साइन इट इज इक्वल टू कोसेक, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स माइनस पाई बाय फोर डी। एंगल को सिंपल बना दें, पुट एक्स इज इक्वल एक्स माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू वाई, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। पाई बाई फोर तो नंबर है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो वन माइनस जीरो यानी वन, वन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। ये हो गया भाई वन अपॉन स्क्वायर रूट टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक वाई डी वाई। अब कोसेक का तो फॉर्मूला है, वैसे तो दो फार्मूले हैं, मैंने गालिबन एक फार्मूला आपको लिखवाया था तो वो आप यूज कर लें। It is equal to ln of cosec y minus cot y plus some constant. Y की जगह y की value put कर दें, it is 1 upon square root 2 multiplied by ln of cosec y. Y is equal to x minus pi by 4 minus cot of y. Y is equal to x minus pi by 4 प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो ये जितनी आसानी से हमने सॉल्व कराया है ये इतना आसानी से निकल जाएगा दिमाग से। प्रैक्टिस कीजिएगा, दो चार पाँच छः आठ दस दफा इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चूंकि ये फॉर्मूले एक से जायद हैं कोसेक के, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है उसके हिसाब से ये आंसर है, इसके अलावा भी आंसर आ सकते हैं। अब अगर फर्ज करें कोई बच्चा इस जगह पे लिखता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, वो भी तो ठीक है, मगर यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो फिर यहाँ cos x, यहाँ sin x,
तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप लिखेंगे कॉस एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई फोर विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। तो वन अपॉन कॉस इट इज सेक, तो यहाँ आ जाएगा सेक एक्स प्लस पाई बाई फोर। तो सेक एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो आंसर आ जाएगा एरन सेक एक्स प्लस पाई बाई फोर प्लस टेंजेंट एक्स प्लस पाई बाई फोर प्लस सम कॉन्स्टेंट, तो वो भी ठीक है। यानी आप सोचें कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है, बी माइनस ए होल स्क्वायर का रिजल्ट भी तो वही होता है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर के बजाय यहाँ लिखता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, वो रूट से बाहर निकालेगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो नहीं आएगा, उसके पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एंड तक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखता रहेगा, तो यहाँ कॉस एक्स को देख के उसके दिमाग में आना चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी cos of x plus pi by 4 and 1 upon cos it is sec, iska matlab sec of x plus pi by 4. To x plus pi by 4 ko isi tarah put karenge to dx dy ho jayega, to aapke paas aa jayega integral of sec y dy which is ln sec y plus tangent y plus some constant, to wo bhi theek hai. To maine kaha ki puri integration mein ye wahid question tha जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने हाल पे रहम कीजिएगा, मैंने ट्राई करने के लिए तो आपको नहीं दिया ये क्वेश्चन, मैंने तो डायरेक्ट सॉल्व करा दिया। जब ट्राई करने के लिए देता हूँ तो आमतौर पे क्लास में एक आध बच्चा ऐसा होता है जो सॉल्व ना भी करे तो कम अज़ कम उसकी लाइन ऑफ एक्शन सही हो। अब टेंजेंट और कॉट की ब्रेकिंग हम शुरू करेंगे कल, साइन और कॉस की ब्रेकिंग। अब टेंजेंट और कॉट की ब्रेकिंग में पहले मुझे कुछ सवाल कराने पड़ेंगे, दो चार पाँच चार मेरा ख्याल में अजानों का टाइम होने वाला है, तो आप पहले नमाज पढ़ें, दुआ इज्तमाई दुआ मांगेंगे, तब तक आप टेंजेंट और कॉट के फॉर्मूले भी रिवाइज करें। तो ये मीटिंग ख़त्म नहीं कीजिएगा, हम इसी मीटिंग को ही कंटिन्यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने दुआ मांगी होगी, तो हमने बेसिकली पढ़ना है टेंजेंट और कॉर्ड की ब्रेकिंग। कुछ सवालात पहले आप देख लें, फर्ज करें आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स, आपके दिमाग में फंक्शन पावर एन तो आएगा लेकिन निकल जाना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव ना तो है ना ही डेरिवेटिव ला सकते हैं। फिर दो फॉर्मूले आपके काम आएंगे, sec स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह cosec स्क्वायर थीटा ये होता था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो फिर cot स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले दिमाग में रखिएगा, ये काम आएंगे टेंजेंट cot के केसेस में। अब वापस आ जाइए टेंजेंट स्क्वायर x, क्योंकि ये इंटीग्रेबल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसे sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज sec स्क्वायर x माइनस स्प्लिट करें तो इट इज sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब दोनों ही टर्म्स इंटीग्रेबल हैं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर इट इज टेंजेंट एंड इंटीग्रल ऑफ 1 इट इज इक्वल टू x प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब अगर क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx, इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx इसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं है ना ही फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसे cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सम और डिफरेंस इस्तेमाल करके दोनों टर्म्स को सेपरेट करें, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर इट इज माइनस cot x एंड इंटीग्रल ऑफ 1 इट इज इक्वल टू x प्लस सम cos। थोड़ा सा मॉडिफाई करें, फर्ज करें क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स डीएक्स। अब इसे फंक्शन पावर एन से अगर सॉल्व करना है तो टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर लाना होगा, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट स्क्वायर। इसे ब्रेक करें टेंजेंट एक्स इनटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें यूजफुल पार्ट है टेंजेंट स्क्वायर, क्यों यूजफुल है, क्योंकि इसकी मदद से आप sec स्क्वायर ला सकते हैं विच इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये टेंजेंट एक्स तो वैसे ही लिखें, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx एज इट। मतलब ये अब बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स इनटू sec स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इनटू 1 टेंजेंट एक्स।
आप समर डिफरेंस इस्तेमाल करें तो इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेबल है, फंक्शन की जगह पे है टेंजेंट एक्स पावर कुछ नहीं है तो वन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज सेक स्क्वायर एक्स विच इज गिवन नाउ, और ये खुद फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इट इज एर एन सेक एक्स। फर्स्ट टर्म के लिए फंक्शन पावर एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये बन जाएगा टेंजेंट रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ln of sec x plus some constant. It is equal to 1 upon 2 into tangent square x minus ln of sec x plus some constant. फर्स्ट करें क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रल ऑफ कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। आप फंक्शन पावर एन यूज कर सकते हैं लेकिन डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, कोसेक स्क्वायर होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर आप ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉट स्क्वायर, इसलिए इसे ब्रेक करें, कैन बी रिटन एज कॉट एक्स इनटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें यूजफुल पार्ट कॉट स्क्वायर एक्स है, क्यों? क्योंकि इसको यूज करते हुए आप कोसेक स्क्वायर ला सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्रॉम्प्टेड नेगेटिव। कॉट एक्स को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, कॉट एक्स इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। सम और डिफरेंस इस्तेमाल करें, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट टर्म में फंक्शन रेज टू द पावर एन, फंक्शन की जगह पे कॉट एन कुछ नहीं है तो पावर वन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ कॉट इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस की कमी है तो माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई करें, जबकि सेकेंड टर्म इंटीग्रेबल है, इसका मतलब इसे अब मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आपने माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा भाई माइनस फंक्शन पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट इट इज इक्वल टू एलन ऑफ साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। इसे लिखा जा सकता है माइनस हाफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस एलन ऑफ साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा इसे हम और मॉडिफाई कर रहे हैं, फर्ज करें टेंजेंट रेज टू द पावर 3 के बजाय टेंजेंट रेज टू द पावर 4 गिवन, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर 4x dx। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर लाने के लिए हमारे नीड है टेंजेंट स्क्वायर, आप ब्रेक करें टेंजेंट स्क्वायर एक्स इनटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें एक टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये तो
sec में कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर में, विच मे बिकम द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। दूसरे टेंजेंट को आप वैसे ही लिखा रहने देंगे, ये टेंजेंट स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा, एंड टेंजेंट स्क्वायर x इट इज sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। टेंजेंट स्क्वायर x को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो टेंजेंट स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब फिर प्रॉब्लम, फर्स्ट टर्म तो चले डेरिवेटिव सामने है, सेकंड टर्म टेंजेंट स्क्वायर x ये इंटीग्रेबल नहीं है, ये इंटीग्रेबल नहीं है तो ये पार्ट नंबर 1 जो मैंने कराया, इसका मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये टेंजेंट स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x ये तो वैसे ही लिखा माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है तो फिर आपने इसे इंटीग्रेबल बनाने के लिए सेक में कन्वर्ट करना होगा। इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस इनटू माइनस इज प्लस 1 dx। अब तीनों टर्म्स इंटीग्रेबल हैं, अब तीनों ही टर्म्स माइनस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब फर्स्ट टर्म यहाँ फंक्शन रेज टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये खुद फार्मूला है, ये खुद फार्मूला है, इसका मतलब तमाम टर्म्स अब इंटीग्रेबल है। इट कैन बी रिटन एज फंक्शन रेज टू द पावर n प्लस 1 divided by n plus 1 minus integral of sec square x, it is tangent x, plus integral of 1, it is x plus some constant. इसे लिखा जा सकता है 1 upon 3 multiplied by tangent cube x minus tangent x plus x plus some constant. अब अगर फर्ज करें टेंजेंट पावर 4 के बजाय टेंजेंट पावर 5 कॉट पावर 4 लिखा हुआ, इंटीग्रल ऑफ कॉट रेज टू द पावर 4x dx, तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस का तो प्रॉब्लम नहीं है, कोसेक स्क्वायर लाने के लिए आपको जरूरत होगी कॉट स्क्वायर, इसलिए आप ब्रेक करके कॉट स्क्वायर को अलहदा करें। कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इनटू कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो आप वैसे ही लिखेंगे, इसकी मदद से आप डेरिवेटिव कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स एज इट इज, it is equal to integral of cot square x into cosec square x minus cot square x into 1 is cot square x dx as it is। अब first term का तो problem नहीं है, problem second term का है, तो second term का problem है तो आप trigonometry use करते हुए इसे भी cosec में convert कर दें। It can be written as integral of cot square x into cosec square x minus cosec square x minus 1 dx. It can be written as integral of cot square x into cosec square x minus cosec square x माइनस इनटू माइनस इज प्लस 1 dx। अब तमाम टर्म्स को आप सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि तमाम टर्म्स इंटीग्रेबल हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर x
कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन डीएक्स। अब सेकेंड और थर्ड टर्म ये तो फॉर्मूले हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म में फंक्शन की जगह पे कॉट है और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस नहीं है। माइनस लाने के लिए आप माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स। अब आप कह सकते हैं कि तमाम टर्म्स इंटीग्रेबल हैं, यहाँ फंक्शन की जगह पे कॉट, पावर की जगह पे टू, डेरिवेटिव की जगह पे माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये दोनों तो इंटीग्रेबल हैं ही। इसका मतलब ये अब बन जाएगा माइनस कॉट रेज टू द पावर एन प्लस वन यानी टू प्लस वन विच इज थ्री डिवाइडेड बाय थ्री माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इट इज माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन इज एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री कॉट क्यूब एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो अब अगर फर्ज करें टेंजेंट पावर फोर और कॉट पावर फोर के बाद टेंजेंट पावर फाइव भी चले देख लें, टेंजेंट पावर फाइव एक्स इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर फाइव एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो sec square आप ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tangent square। इसका मतलब आप इसे ब्रेक करें tangent cube x into tangent square x dx। अब इस tangent square से आप sec square ला सकते हैं, ये हो गया integral of tangent cube x into sec square x minus 1। tangent cube को आप ब्रेक करें, ये बन जाएगा टेंजेंट क्यूब एक्स, बल्कि टेंजेंट क्यूब एक्स को मल्टीप्लाई करें इनटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स इनटू वन इज टेंजेंट क्यूब एक्स। अब फर्स्ट टर्म का तो प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव सामने है, सेकंड टर्म का प्रॉब्लम है। सेकंड टर्म में सिर्फ टेंजेंट क्यूब है, तो टेंजेंट क्यूब को फिर ब्रेक करें इस टेंजेंट क्यूब, यहाँ फंक्शन पावर एन इनटू डेरिवेटिव मौजूद है, सेकंड टर्म में ऐसा नहीं है, तो आप इसे ब्रेक कर लें टेंजेंट क्यूब एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट एक्स इनटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर फोर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tangent x into sec square x minus into minus plus tangent x into 1 is tangent x dx as it is। अब अगर आप और करें तो तमाम टर्म्स इंटीग्रेबल, तो अब सम और डिफरेंस इस्तेमाल कर लें, इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर 4x
into sec square x dx minus integral of tangent x into sec square x dx plus integral of tangent x dx. अब अगर फर्स्ट टर्म में देखें तो फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कंप्लीट है. यहाँ भी फंक्शन पावर कुछ नहीं है तो वन, एंड इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये भी कंप्लीट है, ये खुद फॉर्मूला है. इसका मतलब अब तमाम टर्म्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है. इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट रेज टू द पावर 4+1 5 अपॉन 4+1 माइनस टेंजेंट रेज टू द पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस ln ऑफ sec x प्लस सम कांस्टेंट कैन बी रिटन एज 1/5 tangent raised to the power 5x minus 1/2 tangent raised to the power 2x plus ln of sec x plus constant. So, अब cot power 5x भी देख लें. Suppose that you are given integral of cot raised to the power 5x. Function की जगह cot है, cot का derivative minus cosec square लाने के लिए आपकी need है cot square, तो आप break करेंगे cot cube x into cot square x dx. It can be written as integral of cot cube x into cot square x is cosec square x minus 1 dx. अब cot cube को दोनों terms के साथ multiply करें. cot cube x into cosec square x minus cot cube x into 1 is same cot cube x. अब फर्स्ट टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव बन सकता है, लेकिन सेकंड टर्म में प्रॉब्लम. cot का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, इसका मतलब डेरिवेटिव लाने के लिए आपको cot स्क्वायर की जरूरत होगी, इसलिए आप इसे ब्रेक करेंगे. ये बन गया cot क्यूब एक्स इनटू cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot cube को आप लिख सकते हैं cot x into cot square x dx. It is equal to integral of cot cube x into cosec square x minus cot x multiplied by cosec square x minus 1 dx. cot x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें. cot x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ cot रेज टू द पावर 3x इनटू cosec स्क्वायर x dx, बल्कि सम और डिफरेंस बाद में यूज कर लेंगे. cot x इनटू cosec स्क्वायर x minus into minus plus cot x into 1, it is equal to cot x dx as it is. Sum or difference istamal karke in tamam terms ko aap separate karein. Ye ho gaya integral of cot raised to the power 3x into cosec square x dx minus integral of cot x into cosec square x dx plus integral of cot x dx. अब फर्स्ट टर्म
इसमें डेरिवेटिव में माइनस साइन की आपको कमी नजर आ रही होगी। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस से आप ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया, माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई किया माइनस कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे भी सेकेंड टर्म में भी कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस से ट्वाइस मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स ये तो खुद फॉर्मूला ही है। अब अगर आप देखें तो फंक्शन रेज टू द पावर एन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। फंक्शन रेज टू द पावर कुछ नहीं तो एन की जगह वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया और ये खुद फॉर्मूला है। इसका मतलब ये बन गया इन माइनस फंक्शन रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस फंक्शन रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर कॉट रेज टू द पावर फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। इट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल। मैंने टेंजेंट और कॉट की ब्रेकिंग में टेंजेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर, टेंजेंट क्यूब कॉट क्यूब, टेंजेंट पावर फोर कॉट पावर फोर, टेंजेंट पावर फाइव कॉट पावर फाइव, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो भाई थोड़ा सा आपको आसानी होगी। इंशाल्लाह ताला कल हम शुरू करेंगे यहाँ पिछले सवाल में हमने गड़बड़ की थी शायद, वो करेक्शन मैं करा देता हूँ। इट्स टेंजेंट रेज टू द पावर था टेंजेंट क्यूब, तो हमने इंटीग्रेट करके पावर फाइव लिख दी थी टेंजेंट क्यूब। ये बन जाएगा टेंजेंट रेज टू द पावर फोर एक्स अपॉन फोर, यानी वन अपॉन फोर टेंजेंट रेज टू द पावर फोर एक्स। तो अगर आप जाग रहे होते तो कोई ना कोई बच्चा जरूर हैंड रेज करता। इनकी प्रैक्टिस करके बैठिएगा भाई, कल इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए, टेंजेंट कॉट के साथ साथ सेक और कोसेक की इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।